नेक्स्ट वर्कशीट है अपने 54, कॉम्पिटेंस ये फ्रेम क्वेश्चन अप्रोप्रिएटली, आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन तैयार करने हैं, क्वेश्चन बनाने हैं। मेक क्वेश्चंस यूजिंग द गिवन क्वेश्चन वर्ड, नीचे कुछ क्वेश्चन वर्ड दिए गए हैं, इनका प्रयोग करते हुए आपको क्या बनाने, भी प्रश्न बनाने हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए, उदाहरण दिए हुए, हु इज योअर बेस्ट फेवरेट टीचर, आपका प्रिय या सर्वश्रेष्ठ अध्यापक कौन है। भी व्हाट इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, राजस्थान की राजधानी क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन क्रिएट करने हैं आपको। हु से क्रिएट करोगे तो आप बना सकते हो हु इज, इन जो क्वेश्चन वर्ड है इनके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसके बाद में करता आएगा। हु इज योअर बेस्ट फ्रेंड, हु इज योअर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है आपको बताना है। व्हाट, व्हाट से बनाना है, आप कुछ भी बना सकते हो, हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी इनके बाद। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर मदर नेम, व्हाट इज योर स्कूल नेम। विच, विच का मतलब होता है कौन सा, तो इसके बाद में आप एक नाउन लगाओ, याद रखना विच बुक या विच गेम, कौन सा खेल, कौन सी पुस्तक, कौन सा टीचर, विच टीचर आपको ज्यादा पसंद है। विच बुक डू, हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, यू करता होगा। विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, विच बुक यू लाइक मोस्ट, आप कौन सी पुस्तक सर्वाधिक पसंद करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब जरूर रहेगी यहां पर, यह ध्यान रखना। वेयर से क्वेश्चन बनेगा तो आप बना सकते हो, कुछ भी बनाओ, वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो, फॉर पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, सोने के लिए, तो इस प्रकार आप कोई भी नाउन यूज कर सकते हो। ये देखो प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब का यूज हो तो उसमें हमेशा आईएनजी का प्रयोग होता है, याद रखना। वेयर डू यू गो फॉर प्लेइंग, तुम खेलने के लिए कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो फॉर रीडिंग, पढ़ने के लिए तुम कहाँ जाते हो, इस प्रकार के प्रश्न बना सकते हो आप। हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी यहाँ पर। हु, अगला हु से बना दिया, हु इज योर इंग्लिश टीचर, आपका अंग्रेजी का अध्यापक कौन है, हिंदी का अध्यापक कौन है, इस प्रकार आप प्रश्न बना सकते हो। हु इज योर इंग्लिश टीचर। अब अगला क्या है, व्हाट से बनाना है, अब जिस प्रकार आप पूछ सकते हो, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी क्या है, अमेरिका की राजधानी क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अमेरिका, इस प्रकार आप और प्रश्न भी बना सकते हो, अपनी मर्जी है। वेयर से फिर बनाना है, आप पूछ सकते हो किसी से, वेयर आर, हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी इनके बाद में, याद रखना, फिर इसके बाद में करता आएगा। वेयर आर यू गोइंग नाउ, अब तुम कहाँ जा रहे हो, इस प्रकार प्रश्न बन सकते हो। वाई से, वाई का मतलब होता है क्यों, क्या होता है अभी, क्यों पूछ सकते हो, वाई आर दे मेकिंग ए नॉइज, वो शोर क्यों मचा रहे हैं क्लास के अंदर, मान लो वे शोर क्यों मचा रहे हैं, आप लिख सकते हो तुम शोर क्यों मचा रहे हो। हाउ, हाउ से आप बना सकते हो, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। हाउ मैनी, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ मच, हाउ फार, इनके बाद में एक नाउन आएगी, वैसे कहेगी भी नाउन, संज्ञा जोड़नी पड़ेगी आपको, सीधा हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने विद्यार्थी आपकी कक्षा में हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हैं इन योर क्लास, इन योर क्लास या स्कूल, जो भी आप प्रश्न पूछना चाहो। हाउ मच हो जाए कितना मात्रा,
हाउ मच मिल्क डू यू टेक डेली, कितना दूध पीते हो आप। हाउ फार होता है दूरी, हाउ फार, कोई दूरी पूछी जाए तो हाउ फार का प्रयोग किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स।